हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त रॉयल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ा कोई बिजनेस आइडिया नहीं देने वाला हूं। बेसिकली बिजनेस आइडियाज मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस में दे चुका हूं और काफी प्यार आप लोगों ने उस वीडियोस पे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि दोस्तों, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और मेरी आवाज से आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी आवाज थोड़ी सी भारी हो गई है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप चाय का बिजनेस करने वाले हैं या कर रहे हैं, इनफैक्ट आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो पांच ऐसे कौन सी मेजर मिस्टेक्स होती है जिनकी वजह से आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाता है, आपकी सेल प्रॉपर नहीं होती है और कुल मिलाकर आपको कुछ टाइम बाद बिजनेस को बंद करना पड़ता है क्योंकि आपको प्रॉपर सेल नहीं आ पा रही है। और एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं दोस्तों, मेरे काफी सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने चाय के बिजनेस स्टार्ट किए हैं, काफी सारे के पास मैं विजिट भी कर चुका हूं, और काफी सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे को कॉल करके काफी सारे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। तो आज की वीडियो में मैं पांच ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं जो मोस्टली मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स फेस कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनका बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है। और एक चीज मैं आपको यहां पर पहले ही बता दूं वीडियो की शुरुआत में, ऐसे काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर ने फेस नहीं करी अपने बिजनेस में, इनफैक्ट उनमें से काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अपने इनिशियल स्टेज में अपने बिजनेस की शुरुआत में खुद फेस की है। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो ये डिटेल में बनाने वाला हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि बिजनेस को शुरुआत करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखना है, ताकि आप बिजनेस शुरुआत करने के बाद किसी भी तरीके से नुकसान में ना जाएं। क्योंकि भैया, हमारा अगर 10,000 का भी नुकसान होता है ना, तो वो हमारे लिए भारी नुकसान है, क्योंकि वो बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। हालांकि दोस्तों, चाय का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप बहुत ही कम पूंजी लगाकर शुरू कर सकते हैं, बट पूंजी चाहे कितनी भी कम लगी हो, अगर वो बेकार जाती है, बिजनेस सही नहीं चल पाता और हमारा नुकसान होता है, तो हमारे लिए एक भारी नुकसान है। मैं ऐसा समझता हूं, हमारे लिए 10,000 नहीं, हमारे लिए 5,000 रुपए की भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप ये बात अच्छे से समझते होंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और सारी प्रॉब्लम्स, सारे मेजर मिस्टेक्स बहुत डिटेल में कवर करता हूं, और साथ ही मैं आपको छोटे छोटे सॉल्यूशन भी बताता रहूंगा कि आपको क्या करना है जिनकी वजह से आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं और अपने बिजनेस को बंद करने के बजाय आप उसको एक अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं। देखिए दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट बिजनेस को चलाकर एक अच्छे मुकाम तक ले जाना डेफिनेटली एक मुश्किल बात है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने एक YouTube पे वीडियो देखा, मोटिवेट इतनी जल्दी हो जाते हैं हम कि भैया चलो। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे चाय के वीडियोस मैंने बहुत सारे बनाए हैं, चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं, येवले अमृतुल्ले की फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं, काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, और बिना फ्रेंचाइजी के आप कैसे चाय का बिजनेस कर सकते हैं, ये भी मैं डिटेल में बता चुका हूं। आप में से काफी सारे लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उन वीडियोस को देखने के साथ ही आप इतने ज्यादा मोटिवेट मत हो जाइए कि बस आंख बंद करके आप सोचो कि मेरे को बिजनेस करना है। देखिए दोस्तों, जब आप ऑनलाइन वीडियो में कोई चीज देखते हो तो वो चीज कंप्लीटली डिफरेंट होती है, और जब हम ग्राउंड पे फिजिकली काम को करते हैं तो चीजें कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आता है मेरी चाय की वीडियोस को देखने के बाद कि भैया फ्लेवर किससे ले और चाय का फ्लेवर अच्छा किसका है। मैं बता रहा हूं, मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास मत करो, किसी भी यूट्यूबर पे विश्वास मत करो, इनफैक्ट किसी पे विश्वास मत करो, अपने साथ के दोस्त पे भी विश्वास मत करो। जब आप धंधा करने जा रहे हो, आप किसी भी चीज का धंधा कर रहे हो, आप चाय का धंधा कर रहे हो, आप कपड़े का धंधा कर रहे हो, आप किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। एक असली बिजनेसमैन की पहचान यही होती है, अगर आप किसी पे भरोसा करोगे ना, डेफिनेटली आप धोखा खाओगे। तो जितनी भी कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया, आप उनके सैंपल्स को ऑर्डर करिए, सैंपल्स को ट्राई करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि किसके फ्लेवर सही है, आप उसके फ्लेवर्स ऑर्डर करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हम प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, मिस्टेक्स क्या होती हैं, वो मैं बताता हूं। सबसे पहली मिस्टेक होती है हमारी, हम बल्क ऑर्डर प्लेस कर देते हैं फ्लेवर्स का बिना टेस्टिंग के। अब आपने फ्लेवर टेस्ट ही नहीं करे, आपने मेरी वीडियो को देखने के बाद कैसे भरोसा कर लिया किसी तीसरी कंपनी पर? आप ना तो मुझसे पर्सनली मिले हो, बुरा मत मानना बट ये ट्रू है, और मैं यहां पर मैं ये नहीं कहता कि भैया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे पे आप आंख बंद करके भरोसा करिए। आप किसी भी यूट्यूबर पे, किसी भी एडवर्टाइजिंग कंपनी पे, एडवर्टाइजिंग ब्रांड एम्बेसडर पे भरोसा मत करो। आपको एक चीज करनी है, आपको खुद से बहुत ज्यादा रिसर्च करनी, क्योंकि भैया पैसा आपका लगने वाला है और आपको अपने पैसे की कीमत अच्छे से पता है। इनफैक्ट मुझे अपने पैसे की कीमत बहुत अच्छी पता है, तो मैं तो भैया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले खुद से रिसर्च करता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट लेता हूं, और हर चीज की डिटेल्स लेने के बाद ही अपने आप से डिसीजन लेता हूं। तो मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, तो आप भी मत करिए। मैंने जितनी भी कंपनीज के बारे में बताया, मैं कह रहा हूं तीनों में से कोई भी कंपनी सही नहीं है, आप किसी का फ्लेवर मत लीजिए। आपको करना सिर्फ एक ही है, आप सैंपल्स ऑर्डर करिए, फ्लेवर्स ट्राई करिए, उसके बाद आपको जिस कंपनी के फ्लेवर अच्छे लगे आप उससे मंगाइए। एक चीज और दोस्तों, यहां पर हम किसी की फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हैं, तो आपको ये चीज क्लियरली बता दूं, यहां पर किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं है आप पे कि आप भैया जिंगी सिप से सारे फ्लेवर लो, आप हरी टीमा से सारे फ्लेवर लो, या फिर आप मारुति से सारे फ्लेवर लो। आप इसके अलावा इंडिया मार्ट से और भी काफी सारी कंपनीज है, उनको चेकआउट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे भी सैंपल की डिमांड कर सकते हैं, उनके सैंपल ट्राई कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको दूसरा काम यह करना है कि आपको तीनों चारों कंपनी के सैंपल्स मंगाने हैं और जिस कंपनी का जो फ्लेवर आपको अच्छा लग रहा है उस कंपनी से आपको वही फ्लेवर ऑर्डर करना है। अगर आपको भैया हरिटिमा कहता है कि आप सारे फ्लेवर मुझसे ले लो, आठ फ्लेवर आप चाय के मुझसे ले लो, आप मत लो। अगर आपको हरिटिमा का चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है मत लो। अगर आपको मारुति का रोज फ्लेवर पसंद नहीं है मत लो। अगर आपको जिंगी सिप का कोई फ्लेवर पसंद है आप जिंगी सिप से लो। अगर आपको मारुति का कोई फ्लेवर पसंद है आप मारुति से लो। अगर आपको हरिटिमा फूड प्रोडक्ट से यानी कि चाय वाला की चाय पत्ती का कोई फ्लेवर पसंद है आप उससे लो। आप तीनों के कंबाइन करके सारे अच्छे फ्लेवर अपने पास रखो ताकि आप एक अच्छी चाय सर्व कर सको अपने सारे कस्टमर्स को। इसके अलावा दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हम लोग टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब कॉम्प्रोमाइज यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत तरीके की चाय बना के दे रहे हो, आप पैसे कमाने के चक्कर में आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, नहीं। आप कॉम्प्रोमाइज किस चीज से करते हो कि आप क्या सोचते हो सैंपल्स मंगाने से पहले यार चलो तीन कंपनी से क्या सैंपल मंगाने, मैं एक ही कंपनी से सैंपल मंगा लेता हूं और अगर आपको उस कंपनी के दो फ्लेवर अच्छे लगे और तीसरा फ्लेवर अच्छा नहीं भी लगा तब भी आप उसी को ऑर्डर दे देते हो कि चल छोड़ यार इसी से मंगा लेते हैं, कहां हम अलग अलग सप्लायर के पास जाएंगे, अलग अलग सप्लायर से माल आएगा तो दिक्कत होगी। बट ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। अब हम यहां पर फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, तो यहां पर किसी भी चीज का दबाव नहीं है हम पे। तो आप अलग अलग सप्लायर से अलग अलग फ्लेवर लो, जो उनके टॉप क्लास के फ्लेवर हो ना आप उनसे ऑर्डर करो। तो यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको टेस्ट के साथ, फ्लेवर्स के साथ। यहां पर आप पैसा खर्च कर रहे हो यार अपने फ्लेवर्स के लिए, तो आप सीना ठोक के सामान मांग सकते हो उनसे। और एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, आप में से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया कंपनी कह रही है कि आप 10 किलो मान लो 20 किलो मान लो, तो क्या आपको लगता है कि जिस कंपनी के आपने फ्लेवर भी ट्राई नहीं करे आपको आंख बंद करके उसको 10 किलो 20 किलो 50 किलो का ऑर्डर देना चाहिए? अगर आपके पास इतना ही पैसा है ना तो आप सीधा चुपचाप जाकर फ्रेंचाइजी क्यों नहीं लेते यार चाय सुट्टा बार की, ये वाले अमृतुल्ले की, एमबीए चाय वाला की। अगर आपके पास पैसे कम है और आप फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते तभी तो मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप बिना फ्रेंचाइजी के कैसे चाय का बिजनेस शुरू कर सकें। तो फिर आप 10,000-20,000 का ऑर्डर बिना टेस्ट करे हुए मत दीजिए, आप उनसे सैंपल की डिमांड करिए। अगर वो नहीं दे रहे स्विच कंपनी यार, क्यों, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको उसी कंपनी से फ्लेवर लेना है, मत लो, दूसरी कंपनी से अप्रोच करो। इंडिया मार्ट पे बहुत सारी कंपनी से, आप ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको यही तीन कंपनी से, मार्केट में देयर इज एन नंबर ऑफ कंपनीज, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट एवरी कंपनी। आप बात करो जिसकी बात करने का तरीका, जिससे जो आपको सैंपल इजिली प्रोवाइड कर रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर कंपनी का बिहेवियर बहुत अच्छा है ना तो आप उसके साथ जब बिजनेस करेंगे तब भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा और डेफिनेटली वो अपने साथ साथ आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के स्टार्टिंग में बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपसे बात अच्छे से नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं आपको बहुत बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज कह रहा हूं, आप उससे फ्लेवर्स मत लो, उससे सैंपल्स मत लो। क्योंकि भैया अभी आपने कंपनी से डील स्टार्ट ही नहीं करी और उसका इस तरीके का रवैया है तो बाद में कंपनी का किस तरीके का रवैया होगा, तो भैया मत लो। इसके अलावा दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वैल्यू फॉर मनी नहीं देते हम अपने कस्टमर्स को। यानी कि आपका बिजनेस चल गया, आपने क्या करा, आपने अपनी चाय का दाम 10 रुपए रखा था और बिजनेस चलने के 2 महीने बाद ही आपने अपने जो चाय का प्राइस है वो 20 रुपीज कर दिया, 30 रुपीज कर दिया। ये ऐसा नहीं करना आपको। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप प्राइस बढ़ा भी रहे हो तो आपके कस्टमर को लगना चाहिए कि आप वो जो भी चीज आपसे ले रहा है उसको वैल्यू फॉर मनी मिली है, यानी कि जितना वो खर्च कर रहा है उतनी क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको मिला है। ऐसा नहीं कि भैया वो 20 रुपए की चाय ले रहा है लेकिन आपकी चाय की क्वालिटी 5 रुपए से भी रद्दी है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप चाय के साथ साथ और जितने भी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, जो भी मेन्यू प्रोडक्ट आपके पास है वो सब वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। जो उसका दाम हो उस प्रोडक्ट की वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। आप मोमोज बेचते हो, बर्गर बेचते हो, मैक्रोनी बेचते हो, पास्ता बेचते हो, व्हाइट सॉस पास्ता बेचते हो, आप सैंडविचेस बेचते हो, आप कुछ भी बेचते हो, आपको उसका मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि मार्केट में क्या प्राइस उसका चल रहा है, बाकी के आउटलेट्स कितना प्राइस दे रहे हैं और उसके हिसाब से आपको प्राइस रखना चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप थोड़ा बहुत प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को लगे ही ना कि वो वैल्यू फॉर मनी है प्रोडक्ट उसके लिए। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए आप। इसके बाद दोस्तों चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग की क्या होती है, जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं ना तो हम मोटिवेटेड बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। मतलब किसी भी एक YouTube पे वीडियो देखा और हम लोग मोटिवेट होकर कि बस मुझे ये बिजनेस करना है एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। और उसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम आंख बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक ही चीज देखती है कि हमें बिजनेस ये ओपन करना है। और हम ये भी नहीं देखते कि भैया हम जो शॉप रेंट पर लेने वाले हैं उसका रेंट कितना है, वो कितना हमें वो रेंट हम निकाल भी पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। आप एक स्टार्टअप कर रहे हो, आपको सबसे सस्ती, और अब ये नहीं कहूंगा कि आपको लोकेशन नहीं देखनी है, लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है और आपको भी पता है लोकेशन पे थोड़ा सा रेंट ज्यादा होता है, बट फिर आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, आपका मेन्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अगर एक बड़ी लोकेशन पे एक ज्यादा रेंटेड शॉप ले रहे हो तो आप निकाल पाओगे, वरना फिर डेफिनेटली आपको रेंट ही दबा देगा और आपको ये रेंट की वजह से ही अपनी शॉप को बंद करना पड़ेगा। और मोस्टली यही होता है, रेंट की वजह से, रेंट ज्यादा होने की वजह से बिजनेस चल नहीं पाते, ग्रो नहीं कर पाते। और जो भी, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस है
आप बिजनेस के बारे में जानते हैं तो आप चला ले जाओगे बिजनेस को। अगर आपको एक्सपीरियंस कम है, नया स्टार्टअप है और आप चीजों को भी सीख रहे हो, लर्निंग स्टेज पे हो, तो आप बहुत ज्यादा बड़ी और रेंटेड शॉप लेकर आप बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे नहीं ले जा पाओगे। डिपेंड करता है आपके सारे, सब कुछ डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। तो यहां पर एक एडवाइस आपको दूंगा। अब आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भैया मेरे को चाय का बिजनेस करना है तो मैं ट्रेनिंग कहां से लूं। अब यार अगर आप चाय सोटा बार की फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते, आप वहां पर काम भी नहीं कर सकते। जॉब तो कर सकते हो ना, 3 महीने 4 महीने 2 महीने एटलीस्ट, चलो ये भी छोड़ो। आप अगर ब्रांड में नहीं काम कर सकते, चाय सुट्टा बार में नहीं काम कर सकते, येवले मृतुले में काम नहीं कर सकते, एमबीए चाय वाला में काम नहीं कर सकते, तो मत करो। आप किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि फूड लाइन के किसी भी कंपनी के साथ जुड़कर काम कर लो। आप मैकडॉनल्ड्स में काम कर लो, आप KFC में काम कर लो, डोमिनोज में काम कर लो, आपको वहां पर चीजें बनाना तो नहीं आएंगी। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मैकडॉनल्ड्स में काम करते हो, KFC में काम करते हो, डोमिनोज में काम करते हो, पिज्जा हट में काम करते हो, किसी भी फूड चेन में अगर आप काम कर सकते हो जो कि QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, तो वहां पर आपको भैया चाय बनाना तो नहीं आने वाली, बट आपको कस्टमर हैंडलिंग आ जाएगी, आपको पीपल प्रोडक्ट प्लानिंग आ जाएगी, PPP आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, अगर मैं डीप में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट वहां पर बेसिकली आप एक बिजनेस को रन करना, बिजनेस के सारी प्लानिंग, ग्रोथ, सारा कुछ मैनेज करना और साथ ही में किस तरीके से आप चीजों को चेक कर सकते हैं, वो सब कुछ आप सीख जाओगे। तो वहां पर आप काम करके काफी कुछ चीजें सीख सकते हो, उसके बाद आप एटलीस्ट स्टार्टअप कर सकते हो, आपको काफी कुछ चीजें पता होंगी। इसके अलावा दोस्तों पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि भैया हम ना आंख बंद करके चाय का बिजनेस खोल लेते हैं, इसके अलावा हम कोई भी मेन्यू प्रोडक्ट नहीं रखते, ना ही हमें कुछ आता है बनाना। और अगर मैं आपको यहां पर सच्चाई बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाय के बेसिस पे ये सोच रहे हो ना कि मैं करोड़ों की कंपनी बना लूंगा, लाखों का बिजनेस हर महीने करूंगा, तो ये नहीं होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सच्चाई है। तो इसलिए आपका एक्चुअल में आपका एक स्ट्रांग मेन्यू होना चाहिए। आप चाय के साथ साथ, मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में ये चीज क्लियरली बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ चाय का धंधा करके आप बहुत ज्यादा पैसे जनरेट नहीं कर सकते, बट हाँ ये इनिशियल स्टेज के लिए सही है। जब आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, तो आप बहुत ही कम पूंजी लगाकर चाय सिर्फ बेच सकते हो। बट हाँ एक चीज यहां पर मैं बता दूं कि लेस एक्सपीरियंस के साथ साथ आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है और आप बहुत कम मेन्यू प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो, तो वहां पर जो इनकम होगी आपकी, जो प्रॉफिट होगा आपका, वो भी बहुत ज्यादा कम। तो यहां पर ये मत सोचना कि भैया मैं 2 फ्लेवर की चाय बेचूंगा सिर्फ और हर महीने मेरे अकाउंट में लाखों रुपए गिरेंगे, तो ये नहीं होने वाला। तो आप एक्सपेक्टेशन कम रखो, धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप करो, ग्रो करो और धीरे धीरे मेन्यू को बढ़ाते जाओ, तो फिर आप डेफिनेटली एक दिन लाखों का या करोड़ों का बिजनेस जरूर कर पाओगे, बट उसके लिए टाइम लगेगा। कोई भी चीज एक बार में नहीं होती। अगर आप शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हो ना, तो धीरे धीरे आप सीखते हो, गिरते हो, फिर सीखते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, फिर सीखते हो, फिर गिरते हो, और एक दिन आप शेयर मार्केट में लाखों रुपए इन्वेस्ट करने से पहले डरते नहीं हो। इनफैक्ट मैं भी अभी करने लगे हूं, धीरे धीरे स्टार्ट करो। मैंने आपके एक पुराना वीडियो बताया था ना कि क्या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, तो उस पर आपने व्यूज दिए थे और आपने कहा था कि हमें भी साथ के साथ बताइए। तो जब तक मैं नहीं कर रहा था ढंग से तो मैंने बताया नहीं, बट आगे अभी फिर से स्टार्ट किया है मैंने, कुछ टाइम पे छोड़ दिया था, तो अभी मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। और इन्वेस्टिंग तभी आप कर पाओगे जब आप सीख जाओगे। अभी सीखे नहीं हो तो डेफिनेटली आप पैसा डुबाओगे, तो इसलिए पहले सीखो। तो शेयर मार्केट की तरह ही है भाई बिजनेस भी, रिस्क और अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है यहां पर, बट एक चीज और है यहां पर, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, फुल्ली फ्लेक्सिबल होकर काम कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है ना, तो आप हर चीज बहुत आराम से मैनेज कर लोगे। बट हाँ, धंधे में आपको बहुत ज्यादा लगना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में, धीरे धीरे आपका जो काम है वो कम होता जाएगा और प्रॉफिट अर्निंग ज्यादा होती जाएगी, ये सच्चाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कुल मिला के ना, अगर इस वीडियो का मैं सार बताऊं ना आपको, तो मैं एक ही चीज यहां पर कहूंगा, बिना एक्सपीरियंस के बिजनेस को स्टार्ट मत करना। थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना, चाहे वो आप कहीं से भी ले लो, किसी भी कंपनी के साथ जुड़कर काम कर लो 2 महीने 3 महीने, और आप जब काम करोगे ना, तो आपको काम करने के लिए जाना ही इसी माइंडसेट के साथ है कि मैं यहां पर सिर्फ काम करने आया हूं और बस मैं यहां पर सीखने आया हूं। ये नहीं कि भैया आप वहीं पर कुएं के मेंढक बन के रह गए। आपको एक प्रमोशन दे दिया कंपनी ने 6-7 महीने बाद, तो आपने सोचा कि भैया ये कंपनी बहुत फास्टली मेरे को प्रमोट कर रही है, तो भैया मैं यहीं पर जुड़ के काम कर लेता हूं और यहीं पर मैं अपना करियर बनाऊंगा। ये नहीं होता है। आपको धीरे 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 चीजों को सीखना है और वहां से निकल लेना और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना। और ऐसे बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं जो मेरे खुद के सब्सक्राइबर, जो मुंबई में बहुत अच्छे अच्छे 5-स्टार ताज होटल्स में काम कर रहे थे और आज के डेट में खुद का रेस्टोरेंट और कैफे खोल के बैठे। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत बुरा हाल है, जो लोग काम कर रहे होंगे उनको पता होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत चीजें जरूर सिखाई होंगी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वो अगर मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशन भी आते हैं, तो इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम के साथ में इस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Tell me that you love me, even if it's fake.